नमस्कार मित्रों, आज हम इस पीवीसी पाइप की मदद से हम हमारे बाथरूम में जो शावर होता है वो बनाएंगे। तो कैसे बनाना है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए हमको एक मेल की जरूरत पड़ेगी जो कि आधे इंच का होगा और पाइप भी आधे इंच का होगा। उसके बाद हमको एक पाइप को कटिंग करने के लिए एक कटर की जरूरत है। या आपके पास कोई आरी या कोई हो तो वो भी चलेगा। और एक 1.5 mm का ड्रिल का पाना की जरूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं। और एक केप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस पाइप का कटिंग कर लेंगे कि जिसमें हमको हमारे हिसाब से इतना पाइप चाहिए तो इतना कटिंग करके रख लेंगे। ताकि दोस्तों, पाइप कटिंग करते समय आपका बाथरूम कितना बड़ा है उस हिसाब से आप कटिंग करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। देख सकते हैं हमने ये पाइप कटिंग कर लिया है। और हम जो इसका चीरा है ये वाला है, इस पे तो हमने मेल लगा दिया है और इस पे हम केप लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि हमारी ड्रिल की मदद से हम इसमें छेद करेंगे। छेद इतने करेंगे कि पानी प्रेशर के साथ हमारी ऊपर अच्छी तरह से आ सके, जैसे कि हमारा शावर गिरता है। अब दोस्तों, अब इसमें हम छेद करेंगे। दोस्तों, ये हमारा शावर रेडी हो गया है, हमने इसमें छेद कर लिया है। अब इसका हम डेमो देखेंगे। कितनी बढ़िया तरीके से हमारा जो सावर है वो बन चुका है। और आप देख सकते हैं जैसा प्रेशर आ रहा है, काफी बढ़िया प्रेशर है। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही सावर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय भोले।